सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? एक और नई रेसिपी के साथ आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं रक्षाबंधन स्पेशल काजू बादाम की बर्फ़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है और बहुत आसान भी है इसको बनाना। अगर आप एक बार इसको खाओगे तो आप काजू कतली खाना भूल जाओगे। सो आप इसको बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए काजू, तो मैंने यहाँ पे 15 काजू लिए हैं और 15 से 16 बादाम। फिर हम यहाँ पे लेंगे 3 इलायची और फिर हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। देन हम इसमें डालेंगे दूध 1 ग्लास कम से कम, फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से उसमें। देन हम लेंगे एक पैन, उसमें हम डालेंगे सारा वो मिल्क जो हमने ग्राइंड करके रखा था। देन हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके, जिससे कि ये थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर और अब हम इसको चलाएँगे अच्छी तरीके से, जिससे कि ये हल्का सा गाढ़ा और हो जाए। और अब हम इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे जिससे कि इसमें लम्स ना बन जाए, और फिर हम इसको अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाएगा ये। फिर हम इसमें डालेंगे शक्कर स्वाद अनुसार, तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी शक्कर डाल दी है। फिर आपको इसको अच्छी तरीके से चलाना है, याद रखिएगा आपको इसको जलने नहीं देना है। और आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही कढ़ाई छोड़ने लगे फिर आपको इसको लगातार चलाना है। और देखिए ये कढ़ाई छोड़ने लगा है अच्छी तरीके से, और अब हम इसको निकाल लेंगे। एक प्लेट में हम थोड़ा सा घी से उस प्लेट को ग्रीस कर लेंगे। देन हम उस सारा मिक्सचर उस पर रख देंगे और हम सारा मिक्सचर उसको अच्छी तरीके सेट कर देंगे प्लेट पर। और अब हम उसको सेट होने देंगे और ऊपर से हम उसके ऊपर डाल देंगे पिस्ता को ग्रेट करके हम उस पर डाल देंगे। और फिर हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए जमने रख देंगे फ्रिज में, और जैसे ही हल्का सा जम जाएगा फिर हम इसको काटेंगे। तो आप अपने मनपसंद कोई भी शेप में इसको काट सकते हैं। और फिर मैंने ऊपर से एक बादाम लगाकर इसको गार्निश किया है, और अब हम आपको ये निकाल देंगे। सो दैट्स इट, हमारी बर्फी अब बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है ये, और आराम से ये बनकर तैयार हो जाएगी आधे घंटे में। सो आप ये बर्फी रक्षाबंधन को बनाकर ज़रूर देखिएगा। सो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।